आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंधुओं, जब माननीय जी होते हैं तो हम सभी लोग आकांक्षा करते हैं कि आपके अमृत वचनों को सुने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के आजादी का जो पर्व हम लोगों को ये सुखद दिन देखने को मिले हैं, अन्यान्य सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका एक सपना था, स्वप्न था कि हमारा भारत आजाद होगा, खुले आकाश में हम श्वास ले पाएंगे, हमारी जमीन होगी, हम अपने अनुसार अपने राष्ट्र की प्रगति कर सकेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। फिर आगे वो भी दिन आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन और अपना आसमां होगा। ये ख्वाब लेकर के वो जीवित रहते हुए फांसी के फंदों को चूमा और अपने भारत माता के मुख को उज्ज्वल किया, हमारी गरिमा को कभी ढकने नहीं दिया। ये राष्ट्र अनेक आघातों को सहन करके फिर अपनी पहचान बचाने में सक्षम इसलिए रहा क्योंकि हम विविधता वाली संस्कृति में एकता का भाव रखने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव रखने वाले हैं। ये प्रेम बंधुत्व ही है कि हमारे हिंदी साहित्य में और हमारे यहाँ के साहित्यकारों को कहना पड़ा कि कुछ बात है कि हस्तू मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। समाज का हर वर्ग आजादी में अपना अपने तरीके से योगदान दिया, देश के कलमकारों ने भी अपनी लेखनी की धार को तलवार की धार बनाते हुए अन्याय जैसा अवकर्ष और प्रसन्नता की गहरियों को काटने का स्तुत्य कार्य किया और हमारे हिंदी के कवियों ने जय घोष किया, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। और कवियों ने आह्वान किया, एक लोग उधर से आए, एक लोग उधर से आए, कभी कुछ ऐसे काम सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रबंधक जी, संस्थापक जी, अपने कर कमलों से पावन राष्ट्र ध्वज को फहराने की कृपा करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम सभी लोग इस ऐतिहासिक पल का आनंद लें। माननीय जी अपने कर कमलों से पावन राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए जो परम गौरव स्वच्छ है हम सब लोगों के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन।